चलती कार में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया का है, जहां एडीएम आवास के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय सवन राजभार बस्ती शिक्षा क्षेत्र चिलकहर में बच्चों को स्वेटर का वितरण किया जाना था, जिसमें शामिल होने के लिए चिलकहर ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी वंशीधर श्रीवास्तव अपने मित्र धनंजय श्रीवास्तव के साथ कार से सिविल लाइंस मार्ग होते हुए जा रहे थे। सुबह करीब 11 बजे कार जैसे ही एडीएम आवास के पास पहुंची, इंजन से धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में कार आग के गोले के समान दिखने लगी। कार में बैठे दोनों लोगों ने कार से निकलकर अपनी जान बचाई। इसी बीच किसी ने नगर कोतवाल को फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कोतवाल और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बलिया से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। गाड़ी तो उधर आगे जा रही थी, अचानक ही रुक गई। दो लोग सवार थे, दोनों लोग बाहर आए तो देखा कि गाड़ी में धुआं देने लगा। फिर गाड़ी बीच रोड में थी तो उसे एक जो चला रहे थे उनके ड्राइवर वो साइड किए, फिर उसमें ज्यादा तेज धुआं फेंकने लगा। फिर आगे का बम्पर उठाया, उसमें से ज्यादा तेज धुआं निकलने लगा। फिर अचानक ही आग लग गई।